घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट क्यों। उसको समझता क्या पुष्पा टू में किया श्रीवल्ली को बेइज्जत, क्या कहती है श्रीवल्ली एसपी भंवर को, क्या करेंगी श्रीवल्ली गांव के लोगों के लिए, क्यों जाएंगी श्रीवल्ली बॉम्बे। दोस्तों फिल्म दुनिया की सुर्खियां हमेशा पता रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। पुष्पा 2 में जैसा कि पुष्पा बॉम्बे में अपना कारोबार संभाल रहे होते हैं शिवल्ली के बिना, वहीं दूसरी तरफ इनके फिल्म में सबसे बड़े दुश्मन एसपी भंवर शिखावत वहीं उनके गांव में ड्यूटी कर रहे होते हैं। जैसे ही उन्हें पुष्पा के गांव छोड़ने की खबर मिलती है तभी वो एक वारंट इश्यू करवा कर पुष्पा के सारे गोडाउन्स और फैक्ट्रीज को बंद करवा देते हैं, जिसके चलते बहुत से लोग जॉबलेस हो जाते हैं। गांव में 1/3 पॉपुलेशन जैसा कि पुष्पा की फैक्ट्रीज में काम किया करती थी और एसपी के ये करने से वो अब अनएम्प्लॉयड थे। तभी शिवल्ली ये सब जानकर एसपी शिखावत से अपील करती है कि वो लोगों की मदद के लिए उन्हें दूसरी लोकल फैक्ट्रीज में जगह दिलवा दे, पर एसपी शिवल्ली को पुष्पा का ताना देते हैं और सबके सामने शिवल्ली की बेइज्जती कर देते हैं। लोगों को ये देखकर एसपी पर बहुत गुस्सा आता है और वो सभी एसपी पर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तभी शिवल्ली खड़े होकर सबको रुकने को बोलती है और शिवल्ली एसपी को चुनौती देती है कि वो खुद अब इन लोगों के लिए खड़ी होकर उन्हें फिर से काम दिलवाएगी। शिवल्ली गांव में चुनाव लड़ती है और गांव की एक पहली फीमेल सरपंच बन जाती है, जिसे देख एसपी बहुत ज्यादा चौंक उठता है और अपने ऑफिसर्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। शिवल्ली पुलिस स्टेशन जाकर फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को छुड़वाती है और अपने वाले के अनुसार वो गांव के लोगों को काम दिलवाती है। खुद एक फैक्ट्री बनाकर जिसमें वीट और दाल की क्रशिंग की जाती है। पुष्पा जो बॉम्बे में अपने काम की वजह से और शिवल्ली से लगाव की वजह से अपना गांव छोड़ देते हैं, उन्हें बिजनेस में लॉस होता है, जिसके चलते वो अपना लकड़ियों और ड्रग्स का शिप समंदर में डूबने के कारण उन्हें हार्ट अटैक आता है और हॉस्पिटल में पड़े हुए उनके मुंह से पहला शब्द शिवल्ली आता है। शिवल्ली को ये पता चलता है और वो फौरन अपने गांव से बॉम्बे के लिए निकलती है और वहीं पुष्पा को हॉस्पिटल बेड पर लेटा देख बहुत रोती है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तभी एसपी भंवर शिखावत की एंट्री होती है एक सरकारी पेपर्स के साथ। पैन इंडिया सिनेमा की अपडेट्स और खबरें सुनने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। तब तक के लिए शब्बा खैर।